कौन है साहब? बाहर बेहोश पड़ी हुई थी, पता नहीं कौन है, कहां से आई है। बहादुर कहां है? छुट्टी गया साहब। और मैम साहब बाहर गई। हीरा एक काम करो, इसे अंदर के कमरे में लिटाकर इस पर कंबल ओढ़ा दो, लगता है लगातार बारिश में भीगने से बेहोश हो गई। होश में आ जाए तो उसे गर्म दूध पिला देना। जी साहब। लेकिन साहब एक अनजान लड़की को इस तरह घर में रखना ठीक रहेगा? हीरा इतने रात गई इतनी बारिश में, एक बेचारी छोटी सी लड़की को मैं बाहर थोड़ी छोड़ सकता हूँ। पुलिस में दे दे साहब। हीरा पुलिस के झंझट में फंसने के लिए मेरे पास वक्त नहीं, आधे घंटे बाद मुझे फ्लाइट लेनी है। तुम्हें काम करो, एक गर्म कप कॉफी पिलाओ और मेरा सामान पैक करो। मैं डॉक्टर माथुर को फोन कर देता हूँ, वो आकर इसे देख जाएंगे। जब होश में आ जाए और अपने माँ बाप का पता बता दे तो इसको इसके घर पहुंचा देना। ठीक है सर। राजीव डार्लिंग, बहुत बुरा दिन है आज का, 7,000 हार चुकी हूँ मैं। घर कब तक लौट रही हूँ? आज थोड़ी देर हो जाएगी, मुझे बड़ौदा जाना, याद है? ओह यस यस, हीरा से कहो तुम्हारा सारा सामान पैक कर देगा। ओके, हैव अ नाइस ट्रिप। साहब कॉफी। लड़की को ठीक से लिटा दिया? जी सर। ठीक है। हेलो डॉक्टर माथुर, मैं राजीव सेठ बोल रहा हूँ। डॉक्टर साहब गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। आप यहाँ कैसे? मैम साहब, साहब की लड़की दरवाजे के बाहर मिली थी, बेहोश बेचारी। अचला जी चिंता की कोई बात नहीं, मैंने इंजेक्शन दे दिया, होश में आ जाएगी। उसकी वजह से हम कहीं मुसीबत में न पड़ जाएं। नहीं अचला जी, ऐसी कोई बात नहीं, आप घबराइए नहीं। और हाँ, सुबह तक होश में आ जाए और अपने घर का पता ना बताए तो पुलिस को फोन कर देना। ठीक है फाइन डॉक्टर साहब, ओके बाय। ठीक है। हीरा, हीरा, हीरा। कौन कौन? जाकर अपने कमरे में सो जाओ। तुम मेरा नाम कैसे जानती हो? तुम्हारे हाथ पे जो लिखा है। हो हाँ, तुम्हारी तबीयत कैसी? ठीक है। तुम्हारा नाम क्या है? पिंकी। एक ग्लास दूध लाऊं पियोगी? नहीं अभी नहीं, थोड़ी देर बाद, पहले बाथरूम जाकर आती हूँ। ठीक, बाथरूम उधर है। पता है। पांच साल पहले, तुम्हें कैसे पता? तुम्हारी बेटी कैसी है? बेटी? कम हो, जिसको करंट लगा था और जिसकी सीधी हाथ की उंगलियां आपस में जुड़ गई थी। पांच साल पहले, तुम्हें कैसे मालूम? मुझे सब पता है। तुम्हें कैसे पता? तुम कौन हो, कहां से आई? वक्त आने पर सब बता दूंगी, पहले तुम मेरे लिए गर्म ग्लास दूध तो लाना। जाओ। गड़बड़ है। उस लड़की का होश आया? हाँ जी,
कुछ पता चला उसके बारे में? जी नहीं, उसने सिर्फ अपना नाम बताया पिंकी, पता नहीं। लेकिन वो हमारे घर के बारे में सब कुछ जानती है मेम साहब। मतलब? मुझे तो कुछ गड़बड़ लगती है, आप खुद ही चल के देख लीजिए। किसकी हरकत है ये? गुड मॉर्निंग। तुम्हारी हरकत है ये? मूंछों में राजीव आज भी कितने स्मार्ट दिखते हैं, बिल्कुल पहले की तरह। इतनी छोटी लड़की और मेरे हस्बैंड का नाम ले रहे हैं, पहले की तरह? क्या मतलब? जैसे कॉलेज के जमाने में दिखते थे। राजीव की कभी मूंछें थी ही नहीं। पुराने फोटो में देख लो। शट अप, जस्ट शट अप। कौन हो तुम और किसने भेजा है तुम्हें यहाँ? अलमारी में से पुराने एल्बम निकाल कर तो देखो। किसने भेजा है तुम्हें यहाँ? राजीव की मुझे थी, एल्बम तो निकालो। इसकी बात मान जाइए मैम साहब, ये तो बच्चे के रूप में हमें कोई बला या भूत नहीं दिखाई देती है। कुछ भी नहीं है। ज्वेलरी बॉक्स के नीचे जरा देखो, कमाल है, तुम्हें नहीं पता? तुम्हें कैसे पता? मुझे सब पता है। फोटोग्राफ का तो मुझे भी नहीं पता था, इसे कैसे पता? साहब को ये लड़की घर के बाहर ही मिली थी। जी, साहब ने तो यही बताया था। तुम सीधे सीधे अपनी असलियत बताती हो या? होटल ब्लू स्टार? यस, मे आई हेल्प यू? मिस्टर राजीव सेठ फ्रॉम मुंबई। सॉरी मैम, वो तो चेकआउट हो गए, उसकी अहमदाबाद की मॉर्निंग की फ्लाइट थी। राजीव के आने तक तुम यहीं रहोगी? हाँ, और कहाँ जाऊंगी मैं? साहब बड़ौदा में नहीं है? नहीं, वो वहाँ से अहमदाबाद गए हैं। अहमदाबाद में राजीव हमेशा होटल रूप कमल में ठहरते हैं, वो उनका फेवरेट होटल है।
खुद के बारे में कुछ बताने या यहाँ से जाने का नाम ही नहीं ले रही हैं। राजीव का भी कोई फोन नहीं आया। अपनी उम्र से ज्यादा चालाक लगती है लड़की, लेकिन मैं इसकी असलियत जाने बगैर इसे यहाँ से जाने नहीं दूंगी। अपना नाम पिंकी बतला रही जी, आप फौरन यहां आ जाइए। इन्होंने सिखा पढ़ा के इस लड़की को यहाँ भेजा है। आप इनसे पूछिए कि ये लोग कौन हैं। ये आप क्या कह रही हैं बहन जी? अरे हम तो अपने बच्ची के लिए दो दिन से परेशान थे और इंस्पेक्टर साहब से भी मदद मांगने इसीलिए गए थे कि एक मिनट दीना नाथ जी, रिलैक्स। बच्चे पहले ये बताइए कि आपका नाम क्या है? पिंकी। अच्छा आप यहाँ पर आई कैसे? आपको यहाँ पर कौन लाया? यहाँ मैं खुद आई हूँ और अब यहीं रहूंगी क्योंकि यही मेरा घर है। ये क्या कर रही है बेटी? देखा इंस्पेक्टर, ये लोग कैसा ड्रामा कर रहे हैं। ये आप क्या कर रही हैं? इंस्पेक्टर साहब, लापता होने से पहले मेरी बेटी 7-8 दिन से बीमार थी और रात को तेज बुखार में बड़बड़ाती रहती थी, मुझे अपने घर जाना है। पता नहीं मेरी बेटी को क्या हो गया है। पिंकी एक बात बताऊं तुम्हें, ये तुम्हारी मम्मी डैडी हैं, ओके? तो इनका जो घर है वो आपका घर है, इसीलिए आपको अपने घर जाना चाहिए ना कि यहाँ रहना चाहिए, करेक्ट? नहीं, मैं यहीं रहूंगी, कहीं नहीं जाऊंगी। नहीं यहीं रहूंगी मैं। मतलब ये सब क्या है? ये क्या तमाशा? यही तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ, इस बच्ची को कहाँ से ले आए थे? आपकी तारीफ? मेरा नाम राजीव सेठ। ये मेरे पति हैं। राजीव सेठ जी, ये बताइए कि ये बच्ची आपको कहाँ मिली? रात को तेज बारिश में ये मेरे घर के बाहर बेहोश पड़ी थी, मैं इसे अंदर ले आया। लेकिन बात क्या है, आप लोग कौन हैं? इंस्पेक्टर भारत, क्राइम ब्रांच। और वो जो दो खड़े हैं वो इस बच्ची के माता पिता हैं। बस तो प्रॉब्लम, बच्ची को उनके हवाले कर दीजिए। बच्ची इनके साथ घर जाने के लिए तैयार नहीं है। क्यों बेबी, क्या ये तुम्हारे मम्मी डैडी नहीं है? तो फिर प्रॉब्लम क्या है? नहीं, मैं यहीं रहूंगी आपके साथ। ओह माय गॉड, अब इन क्या मुसीबत है यार ये? पता नहीं इन्होंने मेरी बच्ची पर क्या जादू कर दिया है। राजीव, सच सच बताओ ये क्या है? इस लड़की के साथ तुम्हारा क्या रिश्ता है? What are you talking about, अचला? तुम्हें लगता है मैं झूठ बोल रहा हूँ? मैंने सिर्फ इस लड़की की जान बचाई है, मेरा इसके साथ कोई रिश्ता नहीं है। ये आप कैसे कह सकते हैं कि आपका मेरे साथ कोई रिश्ता नहीं है? बैठ चुके हैं।
क्या कह रही थी तुम? क्या रिश्ता है तुम्हारा मिस्टर सेठ के साथ? पिंकी, घबराओ मत, कोई तुम्हें कुछ नहीं बोलेगा। मैं हूं ना। क्या रिश्ता है तुम्हारा इनके साथ? मैं मिस्टर राजीव सेठ की धर्मपत्नी सुकन्या हूं। मिस्टर सेठ, आपकी ये अचला जी आपकी दूसरी पत्नी है? जी। आपकी पहली पत्नी का नाम सुकन्या था? क्या हुआ था आपकी पत्नी के सुकन्या के साथ? उनकी मौत कैसे हुई थी? ये कोई नहीं जानता। बस एक रात घर से गुस्से में निकली थी और उसके बाद लौटी ही नहीं। जरा खुलासे में बताइए मिस्टर सेठ कि एक्चुअली क्या हुआ था। कन्या बहुत ही शॉर्ट टेम्पर्ड लड़की थी। उस रात मैं बहुत देर से घर लौटा। राजीव, कहाँ थे तुम अभी? तो सो जाते हैं। प्लीज राजीव, मेरे सवालों का जवाब दो। ना दूं तो? तुम मेरे पति और मुझे जाने का पूरा हक है कि आधी आधी रात तक तुम कहाँ रहते हो? चीखो मत। जस्ट शट अप राजीव। यू शट अप। तंग आ गया मैं तुम्हारे सवालों का जवाब देते। और मैं तुमसे तंग आ गई हूँ। आई एम जस्ट सिक ऑफ यू। क्या हुआ राजीव? कुछ नहीं डैड, वही पुराना तमाशा। तो ये तुम्हें तमाशा लगता है? एक मिनट आप चुप रहिए। मैं जानती हूँ आप सिर्फ अपने बेटे का ही साइड लेंगे। इट्स बेटर दैट यू लीव अस अलोन। बेटर यू लीव अस अलोन। तुम्हें तमीज नहीं मेरे डैड से बात करने की? तो तुम रहना अपने डैडी के साथ, मैं जा रही हूँ। सुकन्या ठहरो, राजीव रोको उसे, रोको। अरे जाने दीजिए डैड, दो चार दिन में आकर ठिकाने आ जाएगी, अपने आप लौट आएगी। लेकिन आधी रात को? डैड उसकी फिक्र आप मत कीजिए, आप जाइए आराम कीजिए। मैं सूरत जा रहा हूँ एक बिजनेस के काम से चार दिन के लिए। कब निकल रहे हैं? बस अभी। अचानक? दो दिन बाद डैड ने मुझे सूरत फोन करके ये बताया कि सुकन्या लौटी ही नहीं। मुझे बहुत फिक्र हुई, मैंने सब जगह फोन करके तलाश की, रिश्तेदारों को भी पूछा, लेकिन कहीं से भी सुकन्या का पता नहीं चला। फिर अंत में जाकर मैंने पुलिस में सुकन्या के गुम होने की कंप्लेन दर्ज करवाई। सूरत से लौटने के बाद मैंने सुकन्या को हर जगह ढूंढने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चला। पुलिस को भी इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी। इस हादसे को कितने साल हो गए मिस्टर सेठ? 24 फरवरी 1992। सुकन्या के गुम होने के बाद आपने रिपोर्ट कब लिखवाई थी? मेरा मतलब है किस दिन लिखवाई थी? 26 फरवरी को। मैंने सवाल आपसे नहीं किया था।
और उसके बाद मिस्टर सेठ आपने अचला जी से दूसरी शादी कर ली। दो साल तक जब सुकन्या का पता नहीं चला तब की। पिंकी, पिंकी जब तुम्हें इतनी अच्छी तरह याद है कि पिछले जन्म में मिस्टर सेठ आपके पति थे, तो आपको फिर यह भी याद होना चाहिए कि सुकन्या के गायब हो जाने के बाद, यानी आपके गायब हो जाने के बाद, सुकन्या का क्या हशर हुआ। उसकी मौत कैसे हुई, उसकी लाश का क्या हुआ, आपको तो सब कुछ याद होना चाहिए ना, तो बताइए। आप खामोश क्यों हैं पिंकी, मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूं। जी बच्ची को इमीडिएटली घर लेके जाइए, डॉक्टर से इसका इलाज करवाइए, ओके। और कल को अगर ये कुछ इन्फॉर्मेशन देती है तो मुझे इमीडिएटली फोन करेंगे आप, ओके। इमीडिएटली लेके जाइए इसे। मिस्टर राजीव सेठ, लेट्स होप कि पिंकी की मदद से 10 साल पहले आपकी बीवी सुकन्या जो अचानक गायब हो गई थी, उसका जो ये राज है, कुछ रोशनी पड़े उस पर, लेट्स होप। फिलहाल मैं चलता हूं। श्रीवास्तव, पिंकी को घर ले जाने के लिए थोड़ी मदद कीजिए। राजीव, ये क्या बखेड़ा खड़ा हो गया? माँ, पता नहीं कहां से ये लड़की उठा लाए। रिलैक्स बेटी, कम से कम ये तो पता चलेगा कि सुकन्या का क्या हुआ। आओ राजीव, आओ मेरे पास आओ, आओ ना राजीव, राजीव, राजीव। क्या हुआ? Oh.
क्या? Oh, no. कल रात पिंकी पर किसी ने कातिलाना हमला कर दिया और हमला करने वाले को किसी ने मार दिया। ये क्या नया तमाशा है इंस्पेक्टर? ये तमाशा नहीं है मिस्टर राजीव सेठ, ये एक 10 साल पुराना रहस्य है जिस रहस्य से पर्दा उठाना लाजिम। ये देखिए आलोकनाथ जी, ये वो FIR रिपोर्ट है जो सुकन्या के गायब हो जाने पर आपने पुलिस में दर्ज करवाई थी ना, और ये वो दूसरी FIR रिपोर्ट है जो आपके सुपुत्र राजीव जी के रिवॉल्वर गायब हो जाने पर आपने दर्ज करवाई थी ना। हाँ, तो ये कि हो सकता है कि आपके रिवॉल्वर से सुकन्या का कत्ल कर दिया गया हो, उसके बाद सुकन्या और वो रिवॉल्वर दोनों गायब कर दिए गए। कैसे हो सकता है इंस्पेक्टर? ऐसा कौन कर सकता है? आप या तो आप दोनों। व्हाट नॉनसेंस इंस्पेक्टर, जब मैं सूरत पहुंचा तो मैंने नोटिस किया कि मेरा रिवॉल्वर गायब है और मैंने डायरेक्ट को फोन करके ये कहा कि आप FIR दर्ज कीजिए। अच्छा, एक बात बताइए मिस्टर राजीव सेठ कि अचला जी से आपकी मुलाकात सुकन्या जी के गायब होने के बाद हुई थी या आप एक दूसरे को पहले से ही जानते थे? अचला मेरी सेक्रेटरी थी। मुझे उम्मीद है राजीव जी कि पिंकी को बहुत जल्द सब कुछ याद आ जाएगा और इस राज पर से पर्दा उठ जाएगा कि सुकन्या की मौत कब क्यों और कहां हुई थी और उसकी लाश कहां और किसने गायब कर दी। जाने तो गोली मार दूंगा। इनसे मिलिए श्रीवास्तव जी, इन्हें कहते हैं मिसेस प्रतिमा मेहरा। आइए प्रतिमा जी, आइए चलिए।
राजू अचला से मिलने के बाद मेरे घर से जब चला गया तब उसने बहुत पी रखी थी। अचला भी नशे में थी, इसलिए राजू के जाने के बाद वो सो गई। मैंने देखा राजू अपना रिवॉल्वर सोफा पर भूल कर गया है। मैं नहीं चाहती थी कि मेरे घर में ऐसी खतरनाक चीज रहे, इसलिए उसी वक्त उस रिवॉल्वर को लेकर मैं राजू के घर पहुंची। उसी वक्त सुकन्या घर से बाहर निकली, मैंने उसका पीछा किया। मैं तुमसे ये कहने आई थी कि तुम अपने पति को तलाक दे दो। क्या? क्योंकि मेरी बेटी राजीव से प्यार करती है, तुम उसके रास्ते से हट जाओ। नो, नेवर। मैं अपने पति को कभी भी तलाक नहीं दूंगी। राजीव तुमसे नहीं, मेरी बेटी से प्यार करता है। आई डोंट केयर, मगर मेरे जीते जी राजीव किसी और से शादी नहीं कर सकता। तुम्हें जो करना है तुम शौक से कर सकती हो, यू अंडरस्टैंड? जीते जी ना सही, मरने के बाद तो शादी कर सकता है ना।
इस तरह सुकन्या की मौत हुई ये सिर्फ मैं ही जानती थी। इस हादसे के बारे में मैंने अचला से कुछ नहीं कहा और सुकन्या की मौत एक राज बनकर रह गई। मैंने सुना था कि माँ की ममता के बहुत सारे रूप होते हैं, लेकिन अक्सर देखा यह था कि माँ की ममता पवित्र होती है। माँ की ममता का यह रूप आज मैं पहली बार देखा। अपनी औलाद की खुशी की खातिर आपने एक मासूम की जान ले ली ताकि आपकी बेटी मिस्टर राजीव सेठ से शादी कर सके। मेरा घर बस जाए, बाकी दुनिया जाए भाड़ में। वर्षों भटकने के बाद सुकन्या के मां बाप ने तो हार मान ली, लेकिन जब यह केस मेरे पास आया, काफी स्टडी करने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि ये सुइसाइड नहीं, आत्महत्या नहीं, एक मर्डर है, कत्ल है। और कातिल को सामने लाने के लिए मैंने पिंकी को मिस्टर राजीव सेठ के घर में प्लांट कर दिया और ये पुनर्जन्म का, सुकन्या के पुनर्जन्म का नाटक शुरू कर दिया। क्योंकि मुझे पूरा यकीन था कि मेरे ये ड्रामा करते ही कातिल पिंकी पे अटैक करेगा और जैसा मैंने सोचा था वैसे ही हुआ, उसने पिंकी पे अटैक किया। पिंकी एक चाइल्ड आर्टिस्ट है और मेरे दोस्त मिस्टर खन्ना की बेटी है। मैंने इसे एक ड्रामा में देखा था। आई वॉज वेरी इंप्रेस्ड। पिंकी तुमने बहुत अच्छा काम किया। थैंक यू वेरी मच। यू आर वेलकम। बट यू आर नॉट वेलकम मिसेस प्रतिमा मेहरा। मैं तुम्हें मिसेस सुकन्या सेठ के कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार करता हूं। यू आर अंडर अरेस्ट।